So, good morning, students. Here I am Asha Kumari, a PGD teacher with chemistry in Vidya Bharati Institution, and I have made a small video on how to approach numericals. Yes. So many of us are afraid on how to approach numericals, but let me tell you, it is very easy way, and by approaching this numericals techniques, while learning these tips and techniques which I am going to teach you, with this you will find that scoring in numericals will be much more easier than by writing the theoretical part. Okay, so stay tuned and let's check out this. Okay, so students, let us suppose we have a question like this. Okay, that tips which I am going to give you, this you can apply in any of the question, whether it is long or whether it is small. Okay, so actually when I was in my class 11th, that I got the marks 99 out of 100 in chemistry. So I got 99 out of 100. So I thought, what wrong I have done? Why I am getting only 99? Then my teacher has said that, beta, you have been doing excellent, but in the numerical portion you have missed out to write the unit. From that time to the till date now, I never forget to write units, to mention units in the numericals. So giving you the few tips. Okay, first of all, like in numericals, we need to do lots of rough work, some multiplication, division, converging. Okay, so what you need to do, make a column in your copy, a vertical column in copy, and in this column you can do whatever you want to do, the addition, subtraction, division, multiplication, brackets, anything. You do in front of the page. ऐसा करने का फायदा भी क्या है कि मान लीजिए कि आपने आंसर बनाया वो सही था, बट बाय मिस्टेक गलती हो गई. अब गलती तो इंसान से होती है ना, बट लेकिन अगर आपका रफ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर टीचर ने देख लिया कि आप बच्चे ने रफ ठीक किया है, तो उसमें भी आपके मार्क्स कम कटने के चांसेस हैं. ओके ओके, सो लेट्स मूव ऑन. सो ये क्वेश्चन सबसे पहले हमें कह क्या रहा है, ठीक है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि इंफॉर्मेशन में हमें पहले फ्रीक्वेंसी गिवन है. जस्ट पुट इट हियर, द फ्रीक्वेंसी 1368 किलो हर्ट्ज. ठीक है, अभी इट इज इन द स्टैंडर्ड यूनिट्स, बट वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू हर्ट्ज. 1368 हर्ट्ज. ओके राइट, अभी क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है, व्हाट इज इट इज आस्किंग फॉर. तो इट इज आस्किंग फॉर द कैलकुलेट द वेवलेंथ, मतलब वेवलेंथ पूछ रहा है. तो जो पूछ रहा है उसे आप लिखो क्वेश्चन करके व्हाट, मतलब स्टार्टिंग किया आंसर से, आंसर लिखा, देन गिवन लिखा, क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है वो लिखा, क्या पूछा जा रहा है वो लिखा. ओके नाउ, अब नाउ थिंक ऑफ द इक्वेशन और फॉर्मूला व्हिच विल रिलेट विद द गिवन वैल्यू एंड रिलेट विद द फाइंड आउट वैल्यू. तो ऐसा फॉर्मूला भी लो जिसमें फ्रिक्वेंसी और वैल्यू दोनों रिलेट करता है. तो स्टार्ट राइटिंग दिस ओनली, वी नो दैट, आपको भी ऐसे लिखना है, ठीक है? वी नो दैट लिखा, उसके बाद कौन सा फॉर्मूला से रिलेट करता है, वी नो सी इक्वल्स टू न्यू लैम्डा. ठीक है, अब जिसका वैल्यू आपको निकालना है, लाइक लैम्डा यू वॉन्ट टू फाइंड आउट, यू कीप इट असाइड and arrange the equation by C by mu. Got it, students? Right. Now, the value of C, we all know speed of light, 3 into 10 to the power 8 meter per second. Now, the frequency is given. The frequency of value is already given. It is 1368 hertz. Now, this frequency is, we can also write in the form of meter per second by 1368 per second. अभी देखो स्टूडेंट्स, यूनिट्स लिखने का फायदा क्या है,
कि आप इस न्यूमेरिकल पोर्शन को तो सॉल्व करके लोगे, लाइक इसका वैल्यू आ गया हमारा 219.3 सॉल्व करके, ठीक है। नाउ अभी देखो मीटर पर सेकेंड, पर सेकेंड न्यूमेरेटर का पर सेकेंड कट विद द डेनोमिनेटर का पर सेकेंड, बचा क्या मीटर, तो हम लोगों ने लिख दिया मीटर। देखो इससे क्या हो गया कि आपका यूनिट नहीं छूटा, तो आपसे भी वो मिस्टेक नहीं होगी जो मुझसे मेरे क्लास 11th में हुई थी, ठीक है। तो आपका ये नेक्स्ट स्टेप ये है कि जब भी आप फॉर्मूला लिखो तो फिर आप यूनिट्स को साथ में लिखते चलो, यूनिट्स को भी काटते चलो, फिर जो बचा वही आपका यूनिट बचता है फर्दर इक्वेशन के लिए। डन स्टूडेंट्स, सो जस्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली, राइट द गिवन सेक्शन, द इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन, द वैल्यू दैट यू हैव टू फाइंड आउट, देन write the formula which is related with this equation, then by writing units solve it and then you will get your answer. Okay, so I hope this video will be helpful for you and all the best for your studies. Stay safe, stay happy and keep learning.